श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 सितंबर 2023 को है रविवार की चतुर्थी, साथ ही में है बहुला चतुर्थी। तो दोस्तों, यह भादो महीने की चतुर्थी है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस दिन किए जाने वाले हम आपको वो विशेष उपाय बताएंगे जो कि अगर आप लोग इस दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके घर परिवार से बहुत सारी दुख और समस्याएँ दूर होंगी, साथ ही में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस चतुर्थी तिथि के दिन करना है, जो कि भादो महीने की पहली चतुर्थी है ना। तो इस उपाय को आपको कब करना है वो आप भी सुन लीजिए। दोस्तों, जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, हम बोल रहे हैं आपसे विशेष मनोकामना, ना कि आप ऐसे ही कोई मन में मनोकामना सोच लें और इस उपाय को करने पहुंच जाए, नहीं। आपकी बहुत पहले से कोई सोची हुई मनोकामना हो जिसके लिए आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो और आपका वह काम नहीं सफल हो पा रहा हो, तो आपको यह वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। किस दिन? 3 सितंबर 2023, तो रविवार की चतुर्थी के दिन आपको यह वाला उपाय करना है, ठीक है। तो इस उपाय में करना क्या है और कौन सी चीज़ें आपको इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी वो भी आप लोग सुन लीजिए। आप लोगों ने शमी पत्र देखा होगा जिसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो कि भगवान शिव जी को भी समर्पित होता है, तो आपको शमी पत्र लेकर आना है। कितने शमी पत्र लाओगे इस उपाय को करने के लिए? पूरे 9 शमी पत्र लेकर आओगे, ठीक है। 9 शमी पत्र अपने साथ तैयार रखना। साथ ही में दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो एक घी का दीपक होता है ना, जो आटे का होता है ना, वो भी आपको तैयार करना है, जिसके अंदर आप गोलबाती रखोगे, शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे, है ना। तो एक घी का दीपक, 9 शमी पत्र अपने साथ में तैयार करके आप पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। किस दिन? 3 अगस्त को, जो कि रविवार की चतुर्थी तिथि या बहुला चतुर्थी पड़ रही है इसीलिए, है ना। तो करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप भगवान शिव जी के पास में पहुंच जाओ, है ना। भगवान शिव जी के पास में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपनी इन 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र निकाल लो, है ना। कितनी? 5 शमी पत्र। 5 शमी पत्र को निकालने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का स्थान कौन सा है। हम आपको बताते हैं कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट भाग होता है, उस राइट भाग में गणेश जी का स्थान होता है ना। उसको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है 5 शमी पत्र। कितने? 5 शमी पत्र, है ना। उसके बाद में दोस्तों, आपके पास अब बचेंगे 4 शमी पत्र। 4 शमी पत्र में से 3 शमी पत्र और निकाल लो। इन्हें आपको समर्पित करना है स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। 3 शमी पत्र। अब आपके पास बचेगा 1 शमी पत्र और 1 घी का दीपक, जो आप अपने साथ घर से तैयार करके लेकर आए हैं, आटे का, गोल बाती का, शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक, है ना। तो उसको लेकर आपको आना है भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर। अब भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर से खड़े होकर देखना कि उस समय आपका उल्टा हाथ कौन सा है, ठीक है। चौखट की तरफ खड़े होकर देखना उस समय आपका उल्टा हाथ कौन सा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर या उस उल्टे हाथ की साइड पर आपको क्या करना है कि वहाँ पर बैठकर सबसे पहले अपना भाई 1 बचा हुआ शमी पत्र समर्पित करना है। उसके बाद में जो आप दीपक तैयार करके लेकर आए हो ना, उस दीपक को आपको उसी शमी पत्र के साइड में वहीं पर रख कर गणेश जी के मोर ध्वज, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए उस दीपक को वहाँ पर जला देना है। दीपक को जैसे ही जला दो, उसके बाद आप भगवान से अपनी मनोकामना उसी स्थान पर बैठ कर बोल देना, भगवान गणेश जी से आशीर्वाद लेना, भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेना, है ना। इस उपाय को करने से आप जिस भी मनोकामना के लिए ये उपाय करेंगे या जो दीपक जलाने के बाद आप जो भी मनोकामना बोलेंगे, वो कुछ ही समय में आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बहुला चतुर्थी है इसीलिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। भादो महीने की पहली चतुर्थी है इसीलिए भी यह दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो आप लोग इस उपाय को इस दिन जरूर करके देखें, पर यह उपाय सिर्फ इसी दिन करने का है, इसके अलावा और कभी आप इस उपाय को ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में, जो कि विशेष रूप से आपको रविवार के दिन करना चाहिए और रविवार के दिन चतुर्थी पड़ रही है, तो इससे अच्छा दिन और हो ही नहीं सकता इस उपाय को करने के लिए। पर इस उपाय को आपको करना कब है वो भी आप लोग सुन लो। जब आपके घर में पैसा ना आ रहा हो या आपने किसी को पैसा उधार दिया हो और उधार दिया हुआ पैसा अब आपके पास ना आ रहा हो, आप उसे फ़ोन लगा लगा कर परेशान, आप उससे कह के कर परेशान, भैया हमारा पैसा दे दे, नहीं दे रहा है वो, आप ये वाला उपाय कर लो, वो खुद आपका पैसा देकर आएगा, खुद देकर जाएगा, या तो वो आपको बताएगा कि आखिर वो आपको पैसा क्यों नहीं दे रहा है, क्या उसके घर में दिक्कत समस्या चल रही है, ठीक है। वो आपको जवाब ज़रूर दे देगा। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रातःकाल सुबह सुबह उठना पड़ेगा,
एक तांबे का लोटा लेना पड़ेगा। उस तांबे के लोटे के अंदर एक लोटा जल भरना पड़ेगा। जल भरने के बाद इस तांबे के लोटे के जल के अंदर आपको कुछ सामग्रियाँ डालनी होंगी, ठीक है। वो सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों गुड़, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना शुद्ध वाला, वो उस जल पात्र के अंदर डाल देना। दूसरी चीज़ है दोस्तों चावल का दाना, एक चावल का दाना लेना और उस जल पात्र के अंदर डाल देना, ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों लाल फूल, लाल फूल कौन से, गुलाब के होते हैं लाल फूल, तो एक गुलाब का फूल मिल जाए तो भाई वो उसके अंदर आप लोग डाल देना, या कोई सा ऐसा लाल फूल जो भगवान शिव जी को समर्पित होता है वो वाला भी डाल सकते हो। उसके बाद में आखिरी में जो लाल मिर्ची होती है ना उसके 11 दाने आपको डालना है। कौन सी मिर्ची, लाल मिर्ची के 11 दाने आपको इसी जलपात्र के अंदर डाल देना है। अब आ जाना है आपको भगवान सूर्यदेव के सामने, प्रातःकाल सुबह सुबह सूर्यदेव के सामने अपने दोनों हाथों में इस जलपात्र को पकड़कर दोनों हाथों को ऊपर कर लो। ऊपर करने के बाद अपनी जो नासिका है उसको बिल्कुल सीधा कर लो, सामने की तरफ देखो, और उसके बाद इस जल से आप सूर्य को अर्घ्य दो, है ना, अर्घ्य दो। जैसे ही आप पूरा सूर्य को अर्घ्य दे दो, अर्घ्य देने के बाद भगवान सूर्यदेव से आप प्रार्थना करो कि भगवान सूर्यदेव हमने इस जगह पैसा लगाया था या इसको पैसा दिया था, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो आप कृपा करें। निश्चित ही कुछ ही दिनों के अंदर आपका वह पैसा कहीं ना कहीं से, वो जो पैसे की जुगाड़ है वो आपकी हो जाएगी और वो पैसा खुद देकर जाएगा जिस आपने जिसको उधार दिया होगा, या जहाँ से भी पैसा नहीं आ रहा होगा वहाँ से पैसा आना शुरू हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस उपाय को भी आप ज़रूर करके देखिएगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो इस दिन दोस्तों आप लोग अगर हो सके तो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद फूल जो होते हैं ना उनको ले जाकर उनका श्रृंगार ज़रूर करना। कैसे करोगे वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए आपको सफ़ेद फूल जो होते हैं ना वो ज़्यादा मात्रा में अगर मिल जाए तो आपको मात्र उन सफ़ेद फूलों को लेकर आ जाना है। कब लेकर आना है, सुबह के समय या शाम के समय। सुबह ले आओ तो बहुत अच्छी बात है। तो सफ़ेद फूल लेकर आना और उन सफ़ेद फूलों को से आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है और उन सफ़ेद फूलों से भगवान शिव जी का श्रृंगार करना है ना। और आप चाहो तो एक लोटा जल चढ़ाओ तो चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। मात्र यहाँ पर ये श्रृंगार वाला उपाय है, ये वो उपाय है जिसको करने से भगवान शिव आपको बिना मांगे सब कुछ देते हैं। तो सफ़ेद फूलों से आपको भगवान शिव जी की जलाधारी का श्रृंगार करना है, शिवलिंग का श्रृंगार करना है, पूरे शिवलिंग को सजा देना है। सीधी सी बात ये है ना, इससे भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आप उनसे नहीं भी मांगोगे ना तो वो बिना मांगे आपको वो सब प्रदान करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जिससे कि आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों आपने जो पारिजात का फूल होता है वो देखा होगा, है ना। पारिजात का फूल कैसा होता है, जो कि हल्के से संतरे रंग का होता है और सफ़ेद सफ़ेद सा होता है। अगर वो फूल आपको मिल जाए तो भाई मात्र एक फूल लेकर आना उस फूल को और साथ में एक लोटा जल लेकर जाना प्रातःकाल सुबह सुबह। तो करना क्या है, एक लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाना। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि उस फूल को, जो पारिजात का फूल होगा, उसे भगवान शिव जी पर मात्र आपको चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलकर आ जाना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आ जाना है। मात्र इतना सा ये उपाय है, इस उपाय करने से भी भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस रविवार की तिथि के दिन या इस भादो महीने की पहली जो रविवार की चतुर्थी तिथि, बहुला चतुर्थी तिथि पड़ रही है, इस दिन आप लोगों को करना है। तो दोस्तों इस दिन भगवान शिव जी पर आप चाहें तो बेलपत्री आप ज़रूर समर्पित करें। बेलपत्री को समर्पित करने का एक नियम है, वैसे ही समर्पित करें, ठीक है। सादा एक बेलपत्र लेकर जाएंगे वो तो ठीक है, पर अगर आप लोग 11 बेलपत्र या 21 बेलपत्र या 51 बेलपत्र या 108 बेलपत्र लेकर जाते हैं तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, ठीक है। और अपने साथ में एक चावल का दाना ना लेकर जाओ तो पीला चंदन लेकर जाना, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना। उदाहरण के लिए सबसे कम जो 11 बेलपत्र होंगी वो हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 11 बेलपत्र लेकर जा रहे हो तो आपको करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। तो शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाओ तो आपको करना ये है कि अपनी इन 11 बेलपत्र को एक साथ आपको नहीं चढ़ाना है, या जितनी आप लेकर उतनी एक साथ नहीं चढ़ाना है, आपको एक एक करके चढ़ाना है। जैसे कि एक बेलपत्र आपने चढ़ाई तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलोगे, कहाँ पर चढ़ाओगे, और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, ठीक है। तो एक बेलपत्र आपने चढ़ाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, इसी प्रकार से आपको पूरी 10 बेलपत्र जो है भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है, ठीक है। 51 लेकर गए तो 50 चढ़ा दो, 21 लेकर गए हो तो 20 पहले चढ़ा दो, है ना, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। बस जो आखिरी वाली बेलपत्र होगी ना उस पर आपको कुछ विशेष काम करना है। देखो अगर आप अपने साथ चंदन लेकर गए हो
तो आपको मात्र करना यह है कि उन बेलपत्री में से जो आखिरी वाली बेलपत्र होगी उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा देना है, ठीक है। और पीला चंदन नहीं लेकर गए हो तो चावल का दाना लेकर गए हो तो एक चावल का दाना उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखना, और अगर दोनों चीज़ें लेकर गए हो तो पीला चंदन भी लगा देना और एक चावल का दाना भी उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर रख देना और भगवान शिव जी को सीधा समर्पित कर देना अपनी मनोकामना को करते हुए। पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, उसके बाद में आप भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोलना, ठीक है। निश्चित ही इस उपाय को करने के बाद भगवान शिव जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे, ठीक है। और दोस्तों रविवार का दिन है तो भाई भगवान शिव जी को आप लोग जल ज़रूर चढ़ाना और ये वाला उपाय भी करना, निश्चित ही आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे विशेष उपाय थे जो कि आप इस दिन कर सकते हैं, निश्चित ही आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।